हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीबीएन ई लर्निंग क्लास। टुडे वी विल लर्न अबाउट और डिस्कस अबाउट आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ ईवीएस, दैट इज आवर फैमिली। लेसन वन, आवर फैमिली, रीडिंग पार्ट थ्री। रीडिंग पार्ट फर्स्ट एंड रीडिंग पार्ट सेकंड वी हैव ऑलरेडी डन इन आवर प्रीवियस क्लासेस। सो लेट्स रीड अबाउट द नेक्स्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर। Here are some questions about this chapter and a clue box is also there for your help. So firstly, we have to answer these questions. Now find out the relation for the Shweta on the basis of family tree. In previous class, मैंने आपको श्वेता की फैमिली और श्वेता के फैमिली ट्री के बारे में पढ़ाया था। उसी से रिलेटेड अभी कुछ क्वेश्चंस हैं, उसी के बारे में हमें अभी बताना है। फर्स्ट क्या है आपका? माय मैटरनल ग्रैंड मदर्स डॉटर इज माय मैटरनल ग्रैंड मदर्स डॉटर। मतलब क्या होता है इसका? मैटरनल मतलब आपकी मम्मी जी की, मम्मी जी मतलब आपकी नानी जी की बेटी। जैसे कि आपके नाना जी और नानी जी की बेटी कौन है, तो वो कौन होंगी? वो होंगी आपकी मदर। तो इधर आंसर क्या आएगा? मदर। ओके, सेकेंड, माय अंकल सन इज माय अंकल सन। आपके अंकल कौन होते हैं? अंकल होते हैं आपके फादर के ब्रदर, जैसे कि चाचा जी या ताऊ जी। तो उनके जो बच्चे होते हैं, उनके जो सन या डॉटर होती हैं, उनके बच्चे होते हैं, वो आपके क्या लगते हैं? भाई बहन लगते हैं। तो हम उनको क्या बोलते हैं? कजिन्स। तो यहाँ क्या आएगा? कजिन्स। माई ग्रैंड फादर सन इज़ माई, हमारे ग्रैंड फादर कौन होते हैं? दादाजी। तो दादाजी के सन मतलब बेटे कौन हुए आपके? आपके दादाजी के बेटे कौन हुए? आपके फादर। तो इधर क्या आएगा? फादर। फोर्थ, माई फादर्स ब्रदर इज़ माई, आपके फादर के ब्रदर मतलब आपके पापा जी के भाई, जैसे कि चाचा जी या ताऊ जी, उनके वो क्या कौन लगे? आपके फादर्स ब्रदर इज़ माई, आपके क्या लगे? बताइए क्या लगे आपके? अंकल। तो यहाँ जो भी मैंने आपको आंसर बताया, फर्स्ट में आएगा फर्स्ट में आएगा मदर। ओके, फर्स्ट में क्या आएगा? मदर। सेकंड में क्या आएगा? कज़िन। थर्ड में फादर। फोर्थ में अंकल। और इनके आंसर्स हैं ये रहे, ये ऑप्शंस दे रखे हैं, मैंने आपको आंसर बता दिए हैं, आप सभी इसमें राइट कर लेना। सो आर नेक्स्ट टॉपिक इज़, और नेक्स्ट हेडिंग इज़ शेयरिंग वर्क इन ए फैमिली। हमें अपनी फैमिली में, अपने परिवार में सबकी काम कराने में, किसी भी वर्क में हेल्प करनी चाहिए, हमें काम बांटना चाहिए ताकि हेल्प हो जाए, और शेयर करना चाहिए। शेयरिंग उसी को बोलते हैं, कुछ भी चीज़ बांट के करना। श्वेताज मदर इज़ अ हाउस मेकर, शी हेल्प्स हर मदर इन किचन बाय वॉशिंग वेजिटेबल्स एंड लेइंग डाइनिंग टेबल। श्वेता की मदर क्या है? हाउस मेकर है। हाउस मेकर मतलब क्या होता है? कि वो घर को संभालती हैं अच्छे से, व्यवस्थित तरीके से। शी हेल्प्स हर मदर इन किचन बाई वॉशिंग वेजिटेबल। श्वेता अपनी मदर की हेल्प करती है वॉशिंग द वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को धोने में, और डाइनिंग टेबल, लेइंग डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल पर सब कुछ, खाना वगैरह सब कुछ, पानी वगैरह, वाटर, खाना जो भी रखना होता है उसको व्यवस्थित तरीके से रखने में। श्वेताज कज़िन पंकज हेल्प्स हर अंकल इन वॉशिंग कार। मैंने कल आपको श्वेता के कज़िन्स बताए थे, पंकज और रुचि थे, उसकी फैमिली ट्री में थे। तो पंकज एंड रुचि कौन है? श्वेता के कज़िन है। तो पंकज क्या करता है? अपने अंकल की हेल्प करता है किसमें? वॉशिंग कार। वॉशिंग कार मतलब कार को धोने में, उसकी साफ़ सफाई करने में। एंड रुचि हेल्प्स इन मेकिंग बेड। और रुचि किस में हेल्प करती है? रुचि अपने जो, अपना जो उसका रूम है, उसका जो कमरा है, उसमें अच्छे से रखने में, व्यवस्थित तरीके से रखने में, अपने बेड को नीट एंड क्लीन रखने में, अपनी बुक्स वगैरह को अलमीरा में रखने में, मतलब अपने कमरे को और अपने बेड को व्यवस्थित तरीके से रखने में हेल्प करती है अपनी मदर की, या फिर खुद ही कर लेती है। फादर गोज़ ऑफिस टू अर्न मनी फॉर द फैमिली मेम्बर्स। हमारे फादर ऑफिस जाते हैं, कोई भी काम करते हैं, किसके लिए? ताकि वो पैसा कमा सके। किसके लिए? टू द फैमिली एंड फैमिली मेम्बर्स, अपने परिवार के लिए और अपने परिवार के सदस्यों के लिए। ओके, नेक्स्ट, श्वेताज ग्रैंड पेरेंट्स टेक
टेक चिल्ड्रन टू द पार्क एंड टेल देम मैनी स्टोरी। श्वेता के जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स दादाजी दादी जी, अपने बच्चों को कहाँ ले जाते हैं? पार्क में खेलने के लिए और उनके साथ खुद खेलने के लिए। एंड टेल देम मैनी स्टोरीज, और बहुत सारी कहानियाँ सुनाते हैं। दे ऑल्सो हेल्प इन देयर स्टडीज़, और वो उनकी स्टडीज़ में भी हेल्प करते हैं। स्टडीज़ में मतलब पढ़ाई में हेल्प करते हैं, उनका होमवर्क कराने में या फिर कुछ भी पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो वो हेल्प करते हैं। और नेक्स्ट हेडिंग इज़, नेक्स्ट टॉपिक इज़ लर्निंग इन द फैमिली। लर्निंग, अब हम अपने फैमिली से क्या क्या सीखते हैं उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। बीइंग अ पार्ट ऑफ अ फैमिली वी लर्न सो मैनी थिंग्स एंड वैल्यूज फ्रॉम फैमिली मेम्बर, वैल्यूज ऑफ आर फैमिली बाय आर फैमिली मेम्बर्स, सम ऑफ देम आर। हम अपने परिवार का बीइंग अ पार्ट, एक हिस्सा होते हैं, और उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, बहुत सारी वैल्यू सीखते हैं, बहुत सारे मैनर्स सीखते हैं अपनी फैमिली से और अपने फैमिली के सदस्यों से। तो उनमें से कुछ हैं यहाँ जो मैं आपको भी बताऊँगी। फर्स्ट, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स। हमें हमेशा बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। हमें कभी भी किसी से भी, चाहे वो बड़े हों या छोटे हों, अच्छे से बात करनी चाहिए, रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए, इज्जत से बात करनी चाहिए। सेकंड, लव फॉर वन अनदर। हमें हर किसी के लिए हमारे मन में प्यार होना चाहिए, नफ़रत नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे मन में प्यार है तभी हम अच्छे से रह सकते हैं सभी के साथ, अपने परिवार के साथ और दूसरों के साथ। तो हमें हमेशा प्यार से रहना चाहिए। थर्ड, कॉपरेशन विथ वन अनादर। हमें दूसरों के साथ कॉपरेट करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप एक ही बेड है और आप बोलोगे कि मुझे इसके साथ नहीं सोना। हमें सभी के साथ कॉपरेट करना चाहिए, सभी के साथ उनके कंडीशन समझनी चाहिए, उनकी डिफ़िकल्टी समझनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। यही होता है कॉपरेशन, कॉपरेट करना, मिलजुल कर रहना। सेंसिटिविटी टू वन अनादर। नेक्स्ट इज़ सेंसिटिविटी टू वन अनादर्स इंटरेस्ट एंड नीड्स। हमें दूसरे लोगों के, हमारे सदस्य जो हैं, हमारे घर के सदस्य हैं, उनके ज़रूरतों के बारे में ध्यान रखना चाहिए। उनका किस में ज़्यादा मन लग रहा है उसका ख्याल रखना चाहिए। जैसे कि आपके भाई या बहन को होमवर्क में हेल्प चाहिए तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि उसके होमवर्क में आप हेल्प करो, या फिर उसे कुछ भी खाने की चीज़ चाहिए तो आप कभी कभी अपने भाई बहन को खाने की चीज़ ला सकते हो। तो ये होता है कि हमें उनकी ज़रूरतों का, कि उसे क्या चाहिए, और उनके इंटरेस्ट का, मतलब उनको किस में उनकी ज़्यादा रुचि है उसका ख्याल रखना चाहिए। अगर आप बहुत टाइम से बोर हो गए हो पढ़ के, आपका भाई बोलना चाहता है कि मैं खेलना चाहता हूँ, तो आप उसके साथ खेलिए जाके। नेक्स्ट, हेल्पफुल एटीट्यूड। हेल्पफुल एटीट्यूड मीनिंग होता है कि मददगार व्यवहार। आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए? मददगार, हेल्पफुल। आप हर किसी की, जो भी आपसे मदद मांग रहा है, मदद करनी चाहिए आपको। यही होता है कि आपका हेल्पफुल एटीट्यूड। और दूसरों के प्रति किसी को भी मदद चाहिए तो कभी मना नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, काइंडनेस एंड पोलाइटनेस। हमें हमेशा अपने छोटों से और अपने बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए? पोलाइट से, काइंडनेस, नम्रता से, अच्छे से। ये नहीं उल्टा सीधा बोल रहे हो आप, ठीक है। कैसे बात करनी चाहिए? एकदम अच्छे से, रिस्पेक्ट से, नम्रता से, पोलाइटनेस एंड काइंडनेस होनी चाहिए आपकी आवाज़ में, मिठास होनी चाहिए आपकी आवाज़ में। नेक्स्ट, वैल्यूज़ फ्रॉम आर ग्रैंड पेरेंट्स एंड एल्डर्स। हम सभी को अपने ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उनसे, और बड़े जो हमारे हमसे होते हैं, जैसे हमारे मदर फादर हो सकते हैं, सिस्टर ब्रदर हो सकते हैं, अंकल आंट्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, उनसे हमें हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। हमें हमेशा अपने बड़ों से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। जैसे कि कोई भी हमारे घर पे आता है तो वो सबसे पहले क्या करता है? नमस्ते करता है, पैर छूता है, अच्छे से बात करता है, सबसे मिलता है, सबसे प्यार से बात करता है। तो हमें अपने बड़ों से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, बहुत सारी वैल्यूज सीखने को मिलती हैं, तो हमें सीखनी चाहिए। फैमिली गेट टुगेदर टीच अस अबाउट द वैल्यूज़ ऑफ फैमिली एंड ऑल्सो ब्रिंग द फैमिली मेम्बर्स क्लोज़र। फैमिली गेट टुगेदर का मीनिंग होता है फैमिली से, आपके घर में कोई भी फंक्शन है या प्रोग्राम है तो आपके घर में रिलेटिव्स आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, तो वो क्या होगा? गेट टुगेदर। आप लोग अपने रिश्तेदारों से, अपने फैमिली वालों से मिल रहे हो। तो वो हमें क्या सिखाते हैं? वो हमें क्या सिखाते हैं? टीच अस अबाउट द वैल्यूज़ ऑफ द फैमिली।
हमारी फैमिली में क्या क्या वैल्यूज़ हैं, क्या क्या मैनर्स हैं, क्या क्या उनमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें सीखने को मिलती हैं, वो सब हमें सिखाते हैं। और फैमिली मेम्बर्स क्लोज़र, और हम क्या करते हैं जब हम किसी से भी मिलते हैं किसी भी शादी फंक्शन में या बर्थडे फंक्शन में, तो हमें क्या होता है, हम एक दूसरे से ज़्यादा मौका मिल जाता है बातें करने का और उन एक दूसरे को समझने का। तो इससे क्या होता है, हमारी फैमिली मेम्बर्स, फैमिली के सदस्य, परिवार के सदस्य और रिलेटिव्स नज़दीक आ जाते हैं, क्लोज़ हो जाते हैं और ज़्यादा उनमें प्यार बढ़ जाता है। सो आवर नेक्स्ट हेडिंग इज़ हाउ आर वी सिमिलर, हम कैसे अपने पेरेंट्स से या अपने फैमिली से सिमिलर करते हैं, उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। ओके, मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली मे हैव मैनी सिमिलर फिजिकल एंड फेशियल फीचर्स। मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, हर किसी की फैमिली अलग होती है, किसी की भी फैमिली किसी से भी मैच नहीं खा सकती, बस जो आपके रिलेटिव्स होंगे या फिर आपके कोई फैमिली मेंबर्स होंगे उन्हीं की फैमिली होगी। तो सेम फैमिली में क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो सिमिलर होती हैं, जैसे फिज़िकली या फिर फेशियल फीचर, किसी का फेस सेम होता है, जैसे कि आप किसी से बोल आपसे किसी ने बोला कि आपका फेस तो आपकी मम्मी की तरह लगता है, और किसी ने आपसे बोला कि आप तो अपने पापा की तरह लंबे हो, तो लंबे हो इसका क्या हो गया, ये फिज़िकल फीचर है। और फेशियल फीचर मतलब फेस से लगता है कि आपको कहीं देखा है या फिर आप मम्मी से मैच कर रहे हो या पापा से मैच कर रहे हो, तो ये क्या हो गया, ये सिमिलैरिटी होगी, समानता ही होगी, एक जैसा, तो दिस इज़ नोन एज रिजेम्बलेंस। रिजेम्बलेंस मतलब क्या होता है, अगर आपको कोई भी बोलता है कि आप अपने मम्मी पापा से मिल रहे, आपके मम्मी पापा से कोई बोलता है कि आपका बेटा आप ही की तरह दिख रहा है, या फिर आपसे कोई बोल रहा है कि आप तो अपने दादाजी की तरह दिखते हो या दादी जी की तरह दिखते हो, तो ये क्या हो गया, ये हो गया रिजेम्बलेंस। ओके, सम ऑफ आर फीचर्स आर पास्ड डाउन, हमारे कुछ फीचर्स आगे चले जाते हैं जनरेशन टू जनरेशन। जनरेशन मतलब क्या होता है, पीढ़ी, जैसे आपके दादाजी दादी जी एक पीढ़ी में जन्म लेते हैं, दूसरी पीढ़ी में आपके फादर मदर जन्म लेते हैं, एंड थर्ड पीढ़ी में, तीसरी पीढ़ी में आप खुद जन्म लेते हो। तो ये जनरेशन टू जनरेशन कुछ ना कुछ आप पेरेंट्स से बच्चों में कुछ ना कुछ आप में पास होता रहता है। वो क्या होते हैं, वो फीचर्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटरी फीचर्स। जैसे कि आपके मम्मी के घुंघरालू बाल हैं, तो हो सकता है आपके भी घुंघरालू बाल हों, ये क्या हो गया, हेरिडिटरी फीचर हो गया ये। क्यों, आप अपनी मम्मी से ये फीचर लेके आए हो कि आपके भी घुंघरालू बाल हैं। अगर किसी के दादाजी की ब्राउन आईज़ हैं या फिर ब्लू आईज़ हैं, तो हो सकता है कि आपकी भी हों, हो सकता है आपके ब्रदर की हों या आपकी ना हों। तो किसी किसी में हेरिडिटरी फीचर्स आ जाते हैं, फिज़िकली भी आ सकते हैं और मेंटली वैसे फेशियल फीचर्स भी आ सकते हैं, किसी तरीके से भी आ सकते हैं। तो ये क्या हो गया, हेरिडिटरी फीचर्स, कुछ ना कुछ फीचर्स, कुछ गुण भी हो सकते हैं जो आप अपने मम्मी पापा से या दादा दादी से या अपनी फैमिली से लेते हो, और कुछ खामियां या कुछ बीमारियां भी हो सकती हैं जो अपनी फैमिली से लेते हो। तो यही क्या हो गया, हेरिडिटरी फीचर्स। आई होप कि आपको हेरिडिटरी फीचर्स अच्छे से समझ आया हो। ओके, नेक्स्ट, सम टाइम्स टू और थ्री चिल्ड्रन आर बॉर्न एट द सेम टाइम फ्रॉम द सेम मदर, कभी कभार एक ही मदर से एक ही टाइम पे दो या तीन बच्चे पैदा होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, अगर दो बच्चे पैदा होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, ट्विंस। एक साथ दो बच्चे पैदा होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, ट्विंस, क्या बोलते हैं, ट्विंस। और अगर एक साथ तीन बच्चे पैदा होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट्स। ओके, क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट्स। दे मे लुक अलाइक और मे लुक डिफरेंट, तो ये जो ट्विंस और ट्रिपलेट्स होते हैं, दो बच्चे एक साथ हुए वो और तीन बच्चे जो हुए एक साथ, वो दे मे लुक अलाइक, वो एक जैसे भी दिख सकते हैं, उनमें आदतें एक जैसी भी हो सकती हैं, और मे लुक डिफरेंट, और वो डिफरेंट भी दिख सकते हैं, उनकी आदतें भी अलग हो सकती हैं और अलग दिख सकते हैं। आर फैमिली मेम्बर्स आर अवर फ्रेंड्स, हमारे फैमिली मेम्बर्स क्या होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हम हर चीज़ अपनी फैमिली में शेयर करते हैं, हर चीज़ कुछ भी बात है या कुछ भी है हम सबसे पहले अपनी फैमिली को बताते हैं। तो एक तरीके से हमारे फैमिली मेम्बर्स हमारे क्या बन जाते हैं, फ्रेंड्स। वी लाफ चैट प्ले एंड वॉच टेलीविज़न विथ ईच अदर, हम अपनी फैमिली में क्या करते हैं, हम अपनी फैमिली में रहते हैं तो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, मनोरंजन होता है, खेलते हैं, बातें करते हैं, टेलीविज़न एक साथ देखते हैं, कुछ भी खाते हैं,
खाना खाते हैं, एक साथ खाते हैं, ये सब क्या हो गया? हम अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, हमें अपनी फैमिली के साथ और ज़्यादा टाइम मिल रहा है स्पेंड करने के लिए, बिताने के लिए। लिविंग टुगेदर एज मेम्बर्स ऑफ फैमिली इज़ अ ग्रेट फन। अगर हम अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं तो ये क्या हो गया, हमारे लिए बहुत खास पल हो गए। अगर किसी की फैमिली नहीं होती, अब वो क्या चाहते हैं? वो अकेले रहना कभी नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि काश हमारी भी फैमिली हो। तो ये क्या हो गया कि हम अपनी फैमिली के साथ रह पा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और हमें इससे क्या होता है, बहुत मज़ा आता है कि हम अपनी फैमिली में हर कुछ शेयर कर सकते हैं, हर चीज़ हमें अपनी फैमिली से मिलती है, हमें कुछ सीखने को मिलता है। आर फैमिली इज़ वेरी स्पेशल टू अस। हमारी फैमिली हमारे लिए बहुत स्पेशल होती है, बहुत खास होती है। आपकी फैमिली हो, मेरी फैमिली हो, किसी की फैमिली हो, वो हर किसी के लिए खास होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो आज हमारा ये चैप्टर यहाँ फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज कराऊँगी। ओके, थैंक यू।